नमस्कार, आप देख रहे विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। दोपहर की दो बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली बड़ी खबर, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में दीपावली समारोह के हिस्सा रूप में आज यहां भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान कुल करीब 18 लाख मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे। समारोह के दौरान आतिशबाजी, लेजर शो तथा रामलीला का मंचन भी किया जाएगा। अयोध्या में यह छठा मौका है जब दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप में भाग लेंगे। अयोध्या में मंडल युक्त नवदीप रीणवा ने बताया कि राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों द्वारा 15 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। अधिकारी ने कहा कि बाकी दीयों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया जाएगा। मंडल युक्त ने कहा कि दिए जलाने के अलावा लेजर शो, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, आतिशबाजी होगी और अन्य देशों और राज्यों के सांस्कृतिक दल रामलीला के मंचन भी करेंगे। दरअसल राम नगरी का छठा दीपोत्सव इस बार नए रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी बनेंगे तो 18 लाख दिए प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। कई देशों में राजदूतों के साथ लगभग 10,000 लोग इसका गवाह बनेंगे। वहीं श्रीराम के राज तिलक के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होगी और उनकी अस्तुत्व गूंजेगी। वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि आज रविवार होने के कारण राम लला लाल गुलाबी रंग की पोशाक पहने हुए दिखाई देंगे। भगवान राम और उनके भाइयों के लिए नए कपड़े सिले गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस आयोजन में देश और विदेश में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सत्येंद्र दास ने कहा कि हर साल त्योहार की भव्यता बढ़ी है और इसका विस्तार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह परंपरा जारी रहेगी। इसके अलावा सरयू पुल पर करीब 20 मिनट तक आतिशबाजी की जाएगी। पीएम मोदी, सीएम योगी सरयू तट पर बने मंच पे इसे निहारेंगे। पुल और घाटों पर फूलों झालरों से सजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री अयोध्या में 3 घंटे 20 मिनट तक रहेंगे। इस दौरान वे रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, साथ ही राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं 6:10 भगवान श्री राम के स्वरूप राज अभिषेक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद सरयू तट पर आरती की शामिल होंगे और फिर राम की पैड़ी पर दीपोत्सव में जाएंगे। अयोध्या में यह पहला मौका है जब विश्व में 8 देशों की रामलीला की मंचन होगा। देश विदेश में 1800 से अधिक लोग कलाकार दीपोत्सव का वैभव बढ़ाएंगे। दूसरी बड़ी खबर, केरल में सोना तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने माकपा के 3 शीर्ष नेताओं पर यौन दुराचार का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद इस मामले में एक नया विवाद पैदा हो गया है। स्वप्ना पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री पिनराय विनायजय और उनके परिवार को निशाना बनाती रही है। स्वप्ना ने एक प्रमुख स्थानीय टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार के दौरान यह आरोप लगाया। ऐसा ही एक मामला 2014-2016 में सामने आया था। उस समय विजयन और उनके शीर्ष अधिकारियों ने सौर घोटाले की आरोपी सरिता नायर के कार्यालय में कर्मचारियों के करीबी होने का पता चलने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चंडी की कड़ी आलोचना की थी। स्वप्ना सुरेश के अनुसार दो नेताओं, पूर्व राजमंत्री और मौजूद विधायक करक कंपली सुरेंद्र और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पी श्री राम कृष्णन ने उसे भद्दे संदेश भेजे। पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इलाक ने उन्हें पर्यटन हिल स्टेशन मुनरान में आमंत्रित किया था। स्वप्ना ने सार्वजनिक रूप से तीनों नेताओं के नाम लिए। उसका बयान आने पर 12 घंटे से अधिक का समय होने के बावजूद सत्तारूढ़ माकपा की ओर से पूरी तरह से चुप्पी है। इस मीडिया समीक्षक ने नाम जाहिर न करने पर शर्त पर स्वप्ना ने विनय की बेटी पर कथित तौर पर कोविड डेटा बेचने और बिरयानी से खेप में सोना छुपाकर तस्करी के बारे में भी आरोप लगाया है। साथ ही एक पूर्व महिला मित्र के साथ दुष्कर्म और हत्या का प्रयास के मामले में पिछले 11 दिनों से फरार कांग्रेस विधायक एल धोस कुल पिल्ली अगेन जमानत मिलने के बाद शनिवार को पुलिस जांच टीम के सामने पेश हुए। मीडिया समीक्षक ने कहा कि अब यह देखना बाकी है कि क्या कांग्रेस कुल पिल्ली के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी और अगर ऐसा होता है तो माकपा दबाव में होगी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि स्वप्ना ने विजयन सहित इन शीर्ष नेताओं को चुनौती देने के बाद भी उन्हें मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया है। इसलिए सबकी नजर सत्तारूढ़ माकपा के अगले कदम पर है। और भी तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज।